तदेव अवलोकयति तदेव श्रृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। प्रेम की लीला विलक्षण है। प्रेम की सृष्टि ही दूसरी होती है। जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चलें खे के वहीं। ये जीवन की नैया, वहीं खे के ले चलें जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिलती हो, जहाँ द्वेष न हो, जहाँ मोह न हो, जहाँ काम न हो, जहाँ लोभ न हो, प्रेम ही प्रेम, शुद्ध प्रेम की जहाँ सृष्टि हो, वहाँ अपने जीवन की नैया ले चले। जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, रिछवार श्रृंगार हो और त्याग हो श्रृंगार, और प्रेम की हो सृष्टि और जीवन की नैया वही चली जा रही हो, तो ये प्रेम का ऐसा क्या स्वरूप है? पहले बताया प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये सबको नहीं मिलता। ये नहीं समझना कि ये संसार में जो लड़की लड़के स्त्री पुरुष है ना प्रेम करते हैं, उसके लिए प्रेम शब्द का, अपने संबंध के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए ये प्रेम नहीं है। वो दो तरह की चीजें होती है दुनिया में। एक में तो एक तरफा प्रेम करना पड़ता है, जैसे धन में, धन किसी से प्रेम नहीं करता है, मनुष्य को ही धन से प्रेम करना पड़ता है, तो इसमें तो थोड़ा बंधन कम रहता है। लोभी आदमी कभी दुख पावेगा तो धन छोड़ भी देगा। क्रोध जो होता है वो साफ साफ दुखदाई है, क्योंकि जितनी देर तक वो मनुष्य के हृदय में रहता है उतनी देर तक जलाता है, तो क्रोध में कोई मजा नहीं आता है और अपनी क्रिया करके वो समाप्त भी हो जाता है। लोभ क्रोध से ज्यादा बुरा है, क्योंकि जिस चीज के बारे में लोभ होता है उसके मिलने के बाद भी लोभ समाप्त नहीं होता, वो और चाहता है। लेकिन लोभ में भी बंधन एक तरफ ही है, दो तरफ का बंधन नहीं है। और ये काम जो है ये दुतरफा बंधन है, क्योंकि वो एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ होता है, तो दोनों प्राणियों के मन में जो वासना होती है, वो कच्चा धागा भी दो अगर मिल जाता है तो प्रबल हो जाता है, और दो वासनाएं अगर एक में मिल गई तो उनका टूटना बड़ा कठिन होता है। तो क्रोध छूटना कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन लोभ छूटना है। जो व्यापारी होते हैं, कमाई करने वाले बनिए, उनको महाराज ग्राहक गाली भी देता रहे
तब भी वो अपने फायदे पर नजर रख के सब सह लेते हैं, खुशामद भी कर लेते हैं, उसको खुश भी कर लेते हैं। बोले बाबा हमको तुम्हारी गाली से मतलब नहीं है, तुम्हारे जेब में जो है उससे मतलब है, हम गाली तुम्हारी नहीं लेते। पर काम जो है ये संसार में सबसे प्रबल बंधन है, क्योंकि ये दोनों ओर से ये होता है और एक दूसरे को बांध लेता है। अब ये जो प्रेम है ये काम से विलक्षण है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने राजपंचाध्यायी की टीका में, श्री सुबोधनी जी में ये बताया कि काम और प्रेम का भेद पहचानना बड़ा कठिन है। क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। क्रिया से काम की पहचान नहीं होती, भाव से काम की पहचान होती है। बोले गोपी और श्री कृष्ण ये भी क्षेल्यावलोक सितैर ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयं रति पतिम रमयाम चकार। लेकिन वहाँ गोपी के मन में अपने सुख की इच्छा नहीं है, गोपी कृष्ण को सुख देना चाहती है। गोपी कृष्ण के पास सुख मांगने के लिए गई नहीं है, कृष्ण को सुख देने के लिए गई है। और कृष्ण गोपी के पास सुख मांगने के लिए नहीं गए हैं, गोपी को सुख देने के लिए गए हैं। आत्मा रामो प्यारी रमत। वहाँ न कृष्ण में काम है और न गोपी में काम है। तो सकाम के द्वारा जो कामना की पूर्ति होती है वो कामना को बढ़ाने वाली होती है, और निष्काम के द्वारा जो कामना की पूर्ति होती है या निष्काम निष्काम का जहाँ मिलन होता है वो शुद्ध प्रेम को जन्म देने वाला होता है। तो श्री कृष्ण भी निष्काम है और गोपी भी निष्काम है, परस्पर एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं। अब आप देखो गुण रहितम, गुण रहितम का अर्थ है ये इसमें विषय भोग नहीं है। गुण शब्द का अर्थ समझो विषय भोग, वो नहीं है। गुण शब्द का अर्थ है इंद्रियां, का प्रेम में इंद्रियों के प्रयोग की जरूरत नहीं है, प्रेम में विषय भोग की जरूरत नहीं है। गुण शब्द का अर्थ है विषय और गुण शब्द का अर्थ है इंद्रियां। आंख से देखे बिना भी हृदय में प्रेम उछल रहा, छलक रहा है। प्रेम का समुद्र हृदय में है और आंख से आवाज नहीं सुनाई पड़ती, आंख से नहीं दिखाई पड़ता, कान से नहीं सुनाई पड़ता, त्वचा से नहीं छुआ जाता, और हृदय में प्रेम की तरंगें छलक रही हैं। भरा हुआ है घड़ा, ये प्रेम जो है ना वो भरा हुआ है हृदय में, वो तो छलक रहा है। तो प्रेम स्वयं रस है, जिस हृदय में रहता है उसको आस्वाद्य बना देता है। प्रेम स्वयं तृप्ति है, वो जिसके हृदय में रहता है उसको देख करके लोग तृप्त हो जाते हैं। प्रेम ऐसा मधु है कि उसमें संसार का विस्मरण हो जाता है। प्रेम ऐसा आसव है जो भवरोग को मिटा देता है। प्रेम ऐसा अमर है, अमृत है, जिससे ये जीवन अमर हो जाता है। प्रेम प्रेम रस है, प्रेम आसव है, प्रेम मधु है, प्रेम अमृत है, प्रेम रसायन है। कहिए प्रेम अद्भुत अद्भुत है, प्रेम की लीला। संसार के लोग अपने प्रेम को कैसे दिखाते हैं, बगीचे में गए, बड़ा सुंदर फूल है, आहा हा क्या सुंदर है, थोड़ी देर तक आंख से देख के तृप्त होते रहे, बोले बड़ी सुगंध आ रही है, नासिका भर रही है। उसके बाद उसको तोड़ लिया, तोड़ के फूल को तोड़ लिया, जहाँ वो पैदा हुआ था वो जगह छूट गई, जहाँ से उसको जीवन मिल रहा था वो जगह छूट गई, उसका जीवन टूट गया, उसकी जवानी टूट गई, अब तो रस उसको नहीं मिलेगा ना। सूंघ लिया, थोड़ी देर देख लिया, थोड़ा शरीर से छुआ लिया, थोड़ा बाल में जोड़ लिया, और उसके बाद वो फूल कुमलाय गया, हाथ से निकाला, मसल दिया, धरती पर फेंक दिया, कुचल दिया। इसका नाम क्या प्रेम है? इसका नाम तो प्रेम नहीं हुआ, इसका नाम तो जिससे प्रेम किया गया उसका सत्यानाश हुआ।
तो संसार में लोग इसी को प्रेम कहते हैं कि जिससे प्रेम करें उसकी जवानी, उसका जीवन, उसका धर्म, उसका धन, तो ये संसार का प्रेम है। और यहाँ चर्चा जो है वो संसार के प्रेम की नहीं, भगवत प्रेम की चर्चा है। जब हमें कुछ लेने ही नहीं है तो त्रिलोकी नाथ से प्रेम करने की क्या जरूरत, उसके लिए महाराज कुमार की क्या जरूरत, जब लेने ही नहीं है तो उसके लिए तो ग्वारिया ही बहुत है भाई, है ना। चलो जिसको लेना नहीं है, राजकुमार से तो बहुत ऊंचा ओहदा मिलेगा, त्रिलोकी नाथ तो इंद्र बना दे, ब्रह्मा बना दे, पर हमको तो कुछ लेना ही नहीं है ना। देखो ब्रज के जो लोग हैं अभी हो, है ना, वो कहते हैं कि हमारे लाला को दंडवत मत करो, ये तो बालक है, इसको आशीर्वाद दो, जुग जुग जियो लाला, खीर खंड पियो लाला, ऐसे आशीष दो, इससे कुछ मानो मत, इसके दिमाग पर बोझ बोझ मत डालो। ब्रजवासी कहते हैं दूध पीना हो दूध पियो, दही खाना हो दही खाओ, मक्खन लेना हो लाला माखन मिश्री खाओ, हैं? जो चाहिए सो ले लो, सब तुम्हारा। तो देते हैं सब कुछ और चाहते कुछ नहीं। अभी बरसाने के जो लोग हैं वो नंदगांव में पानी पीना पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते, दूसरा रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करते। बोले भाई हमारी लड़की राधा ब्याही है नंदगांव में, है ना, उस गांव का पानी कैसे पिए, वहां से रोटी कैसे खाए, वहां से कुछ ले कैसे, दूसरा रिश्ता जोड़ेंगे तो पहला रिश्ता राधा कृष्ण वाला भूल जाएगा, ये होगा कि हमारे लड़की जमाई रहते हैं वहाँ। कहने दूसरा रिश्ता मत बनाओ, वही रिश्ता रहने दो। केवल भौतिक दृष्टि से अगर इस बात पर विचार करें, इतिहास की दृष्टि से 4-5 हजार बरस हो गए और एक गांव का दूसरे गांव के साथ इतना घनिष्ठ संबंध, क्या आप समझते हैं कहानी से हो जाएगा ये कहानी लिखने से ये संबंध नहीं होता है, ये ऐतिहासिक संबंध है। घनिष्ठता उसमें है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के साथ दूसरा रिश्ता दूसरा संबंध नहीं जोड़ते हैं। तो ये लेने वाला प्रेम नहीं है, ये देने वाला प्रेम है। तो जब लेना नहीं है तो ये देखने की जरूरत ही नहीं रही कि वो धनी है कि नहीं है, वो सुंदर है कि नहीं, वो दयालु है कि नहीं, वो उदार है कि नहीं, वो सगुण है कि नहीं। क्योंकि प्रेम तो महाराज जब अपने लिए नहीं चाहता है, देना चाहता है, तो वो गुण देख करके नहीं होता है। बल्कि यो समझो कि किसी से प्रेम हो जाए और उसमें गुण न निकले दोष निकले, तो जो प्रेमी होगा वो दोष मिटाने की कोशिश करेगा कि हमारे प्रीतम में इस दोष का रहना अच्छा नहीं है, इसको हम दूर करें, है ना, हम इसको संवार दें, सुधार दें, उसके शरीर पर कहीं दाग है तो उसको पोत दें, कहीं कोई थोड़ा तुलसी का निशान है तो उसको ठक दें। जो प्रेमी होगा सो अपने प्रियतम के दोष को देख करके मुड़ जाएगा कि उसके दोष को धो पोछ करके साफ कर देगा और चमका देगा। बल्कि यो देखो कि अगर अपने प्रियतम में कोई दोष है, लोगों ने आके शिकायत की राधा रानी से कि कृष्ण तो चोर है, उससे तुम क्यों प्रेम करती हो। राधा रानी बोली सखी तुम उसके दिल की बात नहीं समझती हो, मैं समझती हूँ, क्योंकि उसके दिल के पास जितना मैं पहुंच चुकी हूँ उतना तुम नहीं पहुंची हो। बोला क्या बात है सखी, तो बात यह है कि हमारी कोई बदनामी न होने पावे, हमारी ओर हमारे संबंध की ओर हमारे प्रेम की ओर लोगों की दृष्टि न जाए, इसलिए माखन चोरी की ओर लोगों की नजर खींचने के लिए श्याम सुंदर माखन चोरी करने जाते हैं। लोग कहेंगे अरे वो तो अभी बच्चा है, दुधमुआ है,
अभी तो घर में इतना माखन रहने पर भी दूसरे के घर का माखन चुरा चुरा के खाता है, इतनी भी समझ नहीं है, वो क्या राधा से छेड़छाड़ करेगा, है ना। वो तो बहुत भोला है, अपने घर का माखन नहीं खा के दूसरे के घर खाने जाता है, उसको लोग भोला भाला समझेंगे। अपने को भोला भाला दिखाने के लिए वो चोर अपने को जाहिर करता है और प्रेम हमसे करता है। तो गुण देख करके प्रीति नहीं बल्कि दोष की भी सुंदर से सुंदर व्याख्या, प्रेम जो है वो दोष की सुंदर से सुंदर व्याख्या कर लेता है, तो वो दोष भी हमारे लिए है। प्रेम में ऐसा बोलते हैं, तो एक ने कहा कि ये क्या भगवान है, ये कृष्ण जो है ये क्या ईश्वर है, जसोदा मैया के डर के मारे झूठ बोलते हैं कि मैंने माटी नहीं खाई, ये ईश्वर का काम है ये झूठ बोल दे। बोले जब भक्त के कान में ये बात पड़ी, प्रेम में मगन हो गया, झर 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 आंसू गिरने लगे, शरीर में रोमांच हो गया। कि क्यों? कि देखो अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं भगवान कि उससे डरते भी हैं, उसके डर के मारे झूठ भी बोलते हैं। ऐसा प्रभु जो अपने भक्त के इतना अधीन हो जाए, भगवान के सिवाय और कौन ऐसा हो सकता है, ऐसा ईश्वर जो अपने भक्त के सर्वथा अधीन हो जाए, तो भक्त लोग जो हैं कहते हैं कि अच्छा अगर उनको कुछ चाहिए है तब तो हमें जरूर मिलेंगे, उनको छेड़छाड़ चाहिए बोले तब तो आशा हो गई हमको मिलेंगे, तो उनको मक्खन चाहिए का तब तो हमको मिलेंगे। तो गुण देख करके प्रेम नहीं होता बल्कि दोष को सवार देता है, दोष को अपने लिए खुशी का साधन बना लेता है, दोष की दूसरी व्याख्या कर लेता है। प्रीति की रीति बड़ी निराली है भाई, ये तो गोकुल गांव को बैरो ही न्यारो, कह जानत वृषभान नंदिनी, कह वह कानड़ कारो, गोकुल गांव को बैरो ही न्यारो। गोकुल गांव का रास्ता बिल्कुल निराला है, उसको संसारी तराजू पर नहीं तौला जा सकता। अच्छा तो भाई गुण तो नहीं है लेकिन मन में कोई कामना तो होगी ना, कामना रहितम। वो कल इस पे रफ खान का दोहा सुनाया था, बिनु गुण जौवन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम वह रस खान। अब कामना रहितम का अर्थ देखो, काम है आग और प्रेम है रस, बोला जिसके हृदय में कामना की आग जलती है उसका दिल भस्म होता रहता है, उसका दिल तो राख हो जाता है, कोयला हो जाता है, वो क्या किसी के पास प्रेम करने जाएगा? बोले काहे के लिए जाते हो, उसको कुछ देने के लिए जा रहे हो कि उसको भोग करके तृप्त होने के लिए जा रहे हो? तो जहां मन में कामना आई, जहां मन में कामना आई वहां प्रेम पर पर्दा पड़ गया। कामना आग है और प्रेम रस है, प्रेम स्वाद है। प्रेम में रस तो है परंतु तृप्ति नहीं है, और प्रेम में प्यास तो है परंतु कामना नहीं है, प्यास है परंतु कामना नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है परंतु भोग नहीं है, अपने लिए सुख भोग नहीं है। अद्भुत प्रीति की रीति, कामना, ये कामना तो कृष्ण के सामने जाती नहीं हो। कृष्ण के पुत्र का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम आप लोगों को मालूम है ना, प्रद्युम्न, काम। ये तो महाराज अपने बाप के सामने हाथ जोड़े सिकुड़े खड़े रहते हैं, कोई कुछ चेष्टा नहीं करते हैं। बाप के सामने जैसे बेटा संकोच से रहता है, ऐसे कृष्ण के सामने प्रद्युम्न संकोच से रहते हैं। तो जहां कामना होती है वहां सुख को अपनी ओर लाना होता है, और जहां प्रेम होता है वहां सुख को अपने प्रियतम की ओर ले जाना होता है। प्रेम में तृप्ति है और कामना में अभाव है।
बड़ी खुशी हुई, कहा आज अपने प्रियतम को ये सुख देंगे, और कामना में ये होता है कि आज उनसे ये चीज ले लेंगे, आज हमको आंखों के लिए ये मिलेगा और जीभ के लिए ये मिलेगा और दिल के लिए ये मिलेगा और दिमाग के लिए ये मिलेगा। ये बणिक भाव जो है ना, कामना में बणिक भाव होता है और प्रेम में साधु भाव होता है, साधु भाव। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, कामना रही था। अब तीसरी बात प्रेम में जो होती है वो है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रतिक्षण वर्धमानम का क्या अर्थ है? आप हरिद्वार में देखें, नहर बड़ी भारी निकाली गई गंगा जी में से, गंगा जी मानो छोटी हो गई है। गंगोत्तरी में गंगा जी को देखें, बहुत छोटी है, गोमुख में और छोटी है। गोमुख से गंगोत्तरी में बड़ी है, गंगोत्तरी से हरिद्वार में बड़ी है, हरिद्वार से आगे चलो काशी में देखो, प्रयाग में देखो, कलकत्ते में देखो, गंगा जी की पवित्र धारा जितना जितना आगे बढ़ती है, बढ़ती जाती है, वर्धिष्णु है। और नहर जो निकलती है वो हरिद्वार में देख लो नहर और कानपुर में देख लो, क्षीण हो गई हो। नहर जो है वो जितनी आगे बढ़ती है उतनी घटती जाती है, और गंगा जी जितनी आगे बढ़ती है बढ़ती जाती है। तो जो प्रेम आधी की तरह आया और पानी की तरह गया वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। कहते हैं कि प्रेम में प्रतिपदा तो होती है लेकिन पूर्णिमा कभी नहीं होती। प्रतिपदा माने प्रारंभ, प्रेम की शुरुआत तो होती है लेकिन प्रेम में पूर्णिमा की बस अब ये पूर्ण हो गया, अब इसके आगे नहीं, इति नहीं, मिति नहीं, परिमिति नहीं। वो तो बढ़ना है, प्रेम का काम घटना नहीं है। आखिर घटने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना, क्यों प्रेम घटे? क्या अपनी मांग पूरी न होने से प्रेम घटे? तो प्रेम में कोई मांग ही नहीं है। दोष देख करके प्रेम घटे तो प्रेम की आंख से दोष दिखता ही नहीं है। हाँ, अपना काला बच्चा जो पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता माँ को कितना प्यारा लगता है, क्योंकि वो स्नेह की आंख से देखा जाता है। स्नेह की आंख जिसके ऊपर पड़ती है उसको चिकना बना देती है, अनुराग की आंख जिसके ऊपर पड़ती है नजर उसको रंग देती है, रस की आंख जिसके ऊपर पड़ती है उसको रसीला बना देती है। दृष्टि में माधुर्य होता है, दृष्टि में स्नेह होता है, दृष्टि में रस होता है, मिठास भीतर से निकल के बाहर जाती है, बाहर से नहीं आती है। तो इसीलिए बताया कि ये जो प्रीति है, स्तोत्रम यत्र ततस्थताम प्रकटयत चित्तस्य भक्ते व्यथाम निंदातु प्रमदम प्रयच्छति परिहासश्रियम विभ्रति दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वति प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियम विक्रीडति प्रक्रिया। प्रेम का एक अपना ढंग है, अपनी शैली है, एक प्रक्रिया है। क्या है? तारीफ सुन करके उदासीनता आ जाती है, चित्त में पीड़ा होती है। निंदा सुन के खुशी होती है, हंसी मालूम होती है। अपने प्यारे को मैं जितना जानता हूँ उतना ये दूर दूर वाले थोड़े जानते हैं, और तो सब दूर हैं, मैं ही निकट हूँ। उसके हृदय की जानने वाला अगर कोई है तो मैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारे दिल की असली बात कोई जानता है?
तो तुम तो ऊपर ही ऊपर क्या क्या नाटक करते रहते हो, खेल खेलते रहते हो, सब जगह असंग है, सब जगह असंग, आग लगा दी और अलग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारे दिल का असली भाव संसार में कोई समझने वाला है कि नहीं है? तो कृष्ण ने बताया कि अर्जुन जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः, हमारे हृदय का असली भाव गोपियां पहचानती हैं और दूसरे लोग संसार में हमारे हृदय के भाव को नहीं पहचानते। क्यों? कि गोपियां निकट है ना। अगर तुम दूसरे की बात सुनो अपने प्रियतम प्रभु के संबंध में, तो तुम क्या मानते हो कि जो तुम्हें बात सुना रहा है वो उनके ज्यादा नजदीक है कि तुम उनके ज्यादा नजदीक हो? अरे बाबा, प्रेमी की तो सांस मिली हुई है, प्रेमी की त्वचा मिली हुई है, प्रेमी की रस का रस मिला हुआ है, प्रेमी की गंध मिली हुई है, प्रेमी का दिल से दिल मिला हुआ है। अपने प्रभु के बारे में उसका प्रेमी नहीं जानेगा तो गांव के लोग जानेंगे? तो दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती, दोष देख करके प्रेम घटता नहीं और गुण देख करके प्रेम बढ़ता नहीं, क्योंकि प्रेम गुण देख करके पैदा नहीं होता, इसलिए दोष देख करके घटता नहीं। तो प्रेम है क्या फिर? तो प्रेम तो स्वारसिक है, स्वारसिक है माने नैसर्गिक है। जैसे गुलाब में सुगंध है, जैसे चंद्रमा में चांदनी है, जैसे सूरज में रोशनी है, जैसे वायु में प्राण है, इसी प्रकार अपने हृदय का स्वभाव है प्रेम। वो तो निसर्ग है, वो निसर्ग है, वो स्वभाव है, वो दिल का एक रस है जो बाहर छलकता है। वो कहीं उधार लिया हुआ थोड़ी है कि घट जाएगा। प्रेमी के सामने जो आता है वो प्रेम में नहा जाता है। प्रेमी जिसको छू दे उसके हृदय में प्रेम का संचार हो जाए, प्रेमी जिसको देख ले उसका शरीर प्रेम में स्नान कर ले। तो प्रेमी कोई ऐसी वैसी चीज है? तो एक तो दोष देख करके ये नहीं घटता। अच्छा कहो भाई कि दूरी हो, वियोग हो जाए तो प्रेम घट जाएगा? तो वियोग से प्रेम घटता नहीं, वियोग से प्रेम बढ़ता है। जो प्रेम मिलने में देरी होने से घट जाए और प्रियतम के दूर होने से घट जाए वो प्रेम प्रेम नहीं है। देरी जो है, मिलने में जो देरी है, देरी वो काल की उपाधि है, और जो दूरी है वो देश की उपाधि है। देश में दूरी होती है, वो दूसरे देश में, हम दूसरे देश में, इदानी मंत्रम प्राप्ता पर्वता सरिता ध्रुवा हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुणा, वियोग न हो जाए इस डर से हमने कभी गले में हार नहीं पहना कि हम दोनों के बीच में कहीं हार न आ जाए। हार निकाल के फेंक देते थे, तोड़ के फेंक देते थे, परंतु अब हम दोनों के बीच में पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं। अब हम लोग कितने दूर दूर हो गए दूर दूर, लेकिन क्या ये दूरी प्रेम के सूत को तोड़ सकती है? कि ये प्रेम का सूत कोई कच्चे धागे का बना हुआ नहीं है, ये सच्चिदानंद घन का बना हुआ ये प्रेम का सूत्र है, ये कभी टूटने वाला नहीं। तो देरी होने से भी नहीं टूटता, दूरी होने से भी नहीं टूटता। बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु से तो किसी ने कहा कि यदि तुमसे कोई कहे कि तुमको संयोग चाहिए कि वियोग, तो बोले हम तो कहेंगे कि हमको वियोग चाहिए। अरे हे भगवान, प्रभु से तुम वियोग चाहते हो? बोले वियोग में एक मजा है। क्या मजा है? कि वियोग में ये मजा है कि त्रिभुवनमपि तन्मयम् विरहे। जब हम साथ साथ रहते हैं तब तो वो अकेले ही हमारे साथ रहता है, और जब वो अलग रहता है तो सारे जगत में वही वही दिखाई पड़ता है। जित देखो तित श्याम मई है, जहाँ जहाँ नजर जाती है वहाँ वहाँ वही है। अच्छा ये कहो कि वो कोई ऐसा काम करेगा, उसकी ऐसी क्रिया होगी जिससे प्रेम टूट जाएगा, तो क्या उससे कोई काम लेने के लिए प्रेम किया था?
जब काम लेने के लिए प्रेम किया था तो वो काम नहीं पूरा होगा तो प्रेम टूट जाएगा। तो असल में प्रेम जो है ये टूटता नहीं है, इतने ही नहीं अविच्छिन्नम है, इतने ही नहीं प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण बढ़ता है, क्षण क्षण प्रेम की वृद्धि होती है, ये प्रेम की गंगा बढ़ती जाती है, ये प्रेम का समुद्र उमड़ता जाता है, ये प्रेम का चंद्रमा और खिलता जाता है। कि ये प्रेम जो है एक दिव्य सुगंध है, एक प्रेम एक दिव्य रस है, प्रेम एक दिव्य सौंदर्य है, वो दिव्य गंध दिव्य सौरभ अपना आत्मा है, बोला वो दिव्य रस अपना आत्मा है, वो दिव्य सौंदर्य अपना आत्मा है, वो दिव्य सौकुमार जी अपना आत्मा है, क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वरूप है। वो दिव्य सौंदर्य, वो दिव्य माधुर्य, वो दिव्य सौकुमार जी, वो हो दिव्य सौरा सौस्वर्य, ये आत्मा का स्वरूप है। प्रेम समूची सृष्टि को दिव्य बना करके रखता है, दिव्य बना करके रखता है। अब आगे देखो, क्षण क्षण प्रेम बढ़ रहा है, छिन बढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पंजर बसे प्रेम कहावे सोए, जो कभी घटता नहीं और निरंतर अपने हृदय में निवास करता है उसका नाम प्रेम है। नींद से उठने पर जैसा प्रेम नींद के पहले रहता है वैसे ही प्रेम नींद के बाद भी आता है। तो नींद में अगर प्रेम नष्ट हो गया होता तो पहले दिन वाला प्रेम दूसरे दिन कहाँ से आता, तो प्रेम का नाश तो नहीं हुआ ना, प्रेम बना रहा, नींद में भी प्रेम रहता है। ये कहो कि समाधि में प्रेम नष्ट हो जाता है, महाराज घोड़े का प्रेम तो समाधि में नष्ट होता ही नहीं, तो एक कथा है कि एक कोई जादूगर था, हो वो जादू से समाधि लगाता था, है ना, राजा के पास गया, कहा महाराज हम समाधि लगा के दिखाते हैं। बोले कि अच्छा समाधि लगाओ तो तुमको एक घोड़ा इनाम में मिलेगा, बहुत बढ़िया। वो नट ने लगाई समाधि, जादूगर ने लगाई समाधि, लग गई समाधि, एक दिन दो दिन दस दिन टूटे ही नहीं, राजा ने गड़वा दिया धरती में, बोला जब तो ये मर गया। वर्षों के बाद जब वो जमीन कभी खुदी, वो राजा मर गया, उसकी एक दो पीढ़ी बीत गई, जब जमीन खुदी और वहां से वो नट समाधि में निकला, कोई महात्मा था उसने वो नट दबाई और दवाई तो उसमें आ गया, बोला घोड़ा हमारा। जब इतने दिनों के बाद तुम्हारी समाधि में वो घोड़े घुसा रहा, समाधि लगाने से कामना तो मिटी नहीं, मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुमायाति तत्क्षणात् समाध्यादीनि कर्माणि आति जडधीर जदि। अरे बाबा ये तो अंतःकरण शुद्ध हुए बिना सम समाधि संपत्ति हृदय में आवे नहीं, भगवान की कृपा आवे नहीं, भगवान की भक्ति हृदय में आवे नहीं, और कोई समझे कि पीठ की रीढ़ सीधी करके और आंख अधखुली करके और हम बस सांस रोक करके और सब कामनाओं को मिटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो जब तक इस कामना का रूपांतर नहीं होगा, रूपांतर रसायनीकरण वृत्तियंतर, जब तक ये भगवत कामना के रूप में, भगवत प्राप्ति की कामना के रूप में इसको बदलोगे नहीं, तब तक इसका मिटना मुश्किल है। तो नींद से प्रेम नहीं कटता है, समाधि से प्रेम नहीं कटता है, लोकांतर में जाने पर प्रेम नहीं कटता है। प्रेम तो आत्मा का संगी है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। अविच्छिन्नम ये टूटता नहीं महाराज। कहते हैं कि बड़ी अजब रीति है, बिहारी ने एक दोहा लिखा है, दृग उर्जत आंखें आपस में उलझ जाती हैं, तो जो उलझ जाता है वो टूट जाता है, ये नियम है, दूत जब उलझता है तो टूट जाता है। दृग उर्जत टूटत कुटुम, पर जो उलझता है वो नहीं टूटता, कुटुम्ब टूटता है, दूसरा ही टूट जाता है। अच्छा जो टूटता है उसमें गांठ पड़ती है, बोले नहीं, यहाँ जो टूटता है उसमें गांठ नहीं पड़ती, जुरत चतुर चित प्रीति,